हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं स्किड्स। तो चलिए सब्सक्राइब मारिए इस स्किड्स चैनल को और इस बेल का आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज एक बहुत ही खास आप लोगों को एडिटिंग दिखाने वाला हूँ। खास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार 15 अगस्त की एडिटिंग है यार, इसलिए खास बोल रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था इसके ऊपर कि भाई 15 अगस्त आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है सामने, तो एक एडिटिंग करके दिखा दे, मतलब वीडियो अपलोड कर दे। तो मुझे ये वीडियो अपलोड करने में देर हो रही है इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं था एडिटिंग करने के लिए। तो अभी मुझे पिक्चर मिल गई है तो इसलिए मैं अब बना रहा हूँ। तो अभी भी 2-3 दिन बाकी है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तो आप लोगों को सिंपली मैं दिखा देता हूँ ये पिक्चर। इस पिक्चर के ऊपर मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सिंपली आप लोगों को दिखा देता हूँ कोई कौन सी बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो आज मैं बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ ये वाला बैकग्राउंड। तो सिंपली मैं इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ पिक्सट के अंदर। तो पिक्सट के अंदर आ गया हूँ और पिक्सट के अंदर आने के बाद आप लोगों को क्या दिखा देता हूँ कि पहले क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली टूल्स में जाकर यहाँ पर देख सकते हो जो रिसाइज का ऑप्शन है, यहाँ पर जो देख सकते हो ये वाला रिसाइज के ऑप्शन में जाकर रिसाइज कर लेना पिक को, ठीक है। और रिसर्च करने के बाद डन कर देना। और डन करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा बैकग्राउंड को, बहुत ही बड़ा है बैकग्राउंड तो इसलिए थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं क्रॉप कर लिया हूँ सिंपली। और अब जो करूँगा फिर से टूल्स वाला ऑप्शन में जाऊँगा और ये वाला ऑप्शन देख रहे हो आप लोग, ये वाला ऑप्शन मैं ब्लर के लिए यूज़ करूँगा। बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर दूँगा, फिर और भी अच्छा लगने लगेगा पिक। तो मैं सिंपली अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेकेंड वाला चूज़ कर लूँगा और यहाँ पर ब्लर का जो सैचुरेशन बोल रहा हूँ गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पर जो अमाउंट है उसको कम कर लूँगा, मतलब 8 रखूँगा करीब, ठीक है। उसके बाद कर दूँगा यहाँ पर डन। और डन करने के बाद मैं ले आऊँगा उस पिक्चर को। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन देख रहे हो तो ऐड पिक्चर में जाना होगा। तो ऐड वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं गैलरी से सिंपली वो पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। तो वो पिक्चर है मेरे यहाँ पर है, तो सिंपली मैं पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐड करने के बाद आप लोगों को दिखा दूँ क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कटआउट वाला ऑप्शन देख रहे हो, कटआउट वाला ऑप्शन में जाना पड़ेगा और पिक्चर को कटआउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को अगर पता नहीं है कि कटआउट कैसे करता है तो इसके लिए मैं वीडियो पहले से अपलोड करके रखा हूँ मेरे चैनल पर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड आई के बटन में भी क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे कटआउट किया जाता है पिक्सट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर पॉज कर देता हूँ वीडियो को। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैं सिंपली यहाँ पर मार्क कर लिया हूँ, मतलब कटआउट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा सिंपली। और सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर कटआउट हो गया है, मतलब स्टिकर में कन्वर्ट हो गया है। और मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा और सेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है तो उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आऊँगा एंड ड्रॉप, मतलब सॉरी गाइस, इरेज ऑप्शन में आऊँगा एंड जो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर बच गया है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरेज कर दूँगा, ठीक है, जो रह गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो कटआउट करने के बाद थोड़ा बहुत रह गया था तो उसको मैं इरेज कर लिया हूँ, ठीक है। तो इरेज करने के बाद मैं यहाँ पर पिक्चर को कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लूँगा गाइस, जहाँ पर मुझे ठीक लगे वहाँ पर सेटिंग कर लूँगा, ठीक है। और सेटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर सिंपली डन कर दूँगा। और डन करने के बाद मैं फिर से ऐड फोटो में जाऊंगा एंड जो मेरा इंडियन फ्लैग है उसको ले आऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इंडियन फ्लैग को कुछ ले आता हूँ एंड कुछ इस तरीके से मैं हाथ में पकड़ा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो देख सकते हो जो इरेज वाला ऑप्शन है, इरेज वाला ऑप्शन में जाऊंगा, साइज को
कर लूँगा, मतलब हार्डनेस को यहाँ पर फुल कर दूँगा मैं, ठीक है, और जूम कर लूँगा एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से रिमूव कर दूँगा, मतलब यहाँ पर जो हैंड में पकड़ा हुआ है उस टाइप का लगे, इसलिए मैं यहाँ पर रिमूव कर दूँगा इसको। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हो गया है, तो मैं सिंपली कर दूंगा ओके और यहाँ पर कर दूंगा डन। और डन करने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो पिक तो ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो शैडो है वो थोड़ा कमी है शैडो का, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शैडो भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर जाऊँगा ड्रॉ वाला ऑप्शन में, और ड्रॉ वाला ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को इस टूल्स में क्लिक करना है एंड इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड जो ओपासिटी है उसको कम कर देना है और साइज को अपने मुताबिक से रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद कर दूंगा सेट और जूम कर लूँगा एंड जो पैर के नीचे कुछ इस तरीके से शैडो डाल दूंगा गाइस, ठीक है। साइज को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर बहुत छोटा हो गया है। तो यहाँ पर शैडो भी डाल दिया देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद कर दूंगा यहाँ पर डन, और डन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल तो हैंग कर रहा है, एक ड्रॉ वाला ऑप्शन में आता हूँ तभी हैंग करता है मेरा मोबाइल, क्लिक ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्या करूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ मैं फिक्स कर लिया हूँ एंड जाऊँगा यहाँ पर जो टोल्स वाला ऑप्शन है, टोल्स वाला ऑप्शन में जाऊँगा एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो एडजेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाऊँगा एंड थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस को हाई करूँगा, ठीक है। और हाई करने के बाद उसके बाद जाऊँगा इस इरेज वाला ऑप्शन पर एंड कन्वर्ट कर लूँगा यहाँ पर, और ओपासिटी को फुल कर दूँगा यहाँ पर, साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ठीक है, एंड जो फेस का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। और हैंड के ऊपर भी थोड़ा सा दे देता हूँ ब्राइटनेस, सो गाइस अब देख सकते हो यहाँ का काम पूरा हो गया है, कर दूंगा डन, ठीक है, और यहाँ पर भी डन कर दूंगा एंड यहाँ पर क्या करूँगा मैं ड्रॉ वाला ऑप्शन में जाकर सिंपली पिक्चर को सेव कर लूँगा, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ इस पिक्चर को ले जाऊँगा लाइट रूम में, और लाइट रूम में आने के बाद आप लोगों को दिखा दूँ क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा सिंपल एक प्रीसेट है, तो प्रीसेट को मैं कॉपी कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये प्रीसेट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है गाइस, ऑल चीज़ का दे दूँगा, मतलब ऑल चीज़ मतलब जो बैकग्राउंड है इंडियन फ्लैग है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद बैक आऊँगा, और बैक आने के बाद मैं पिक्चर में आ जाऊँगा, और पिक्चर में आने के बाद वही फिर से एक चीज़ दोहराना है, मतलब यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है थ्री डॉट में, और थ्री डॉट में आने के बाद आप लोगों को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर पिक्चर लोडिंग हो रहा है इसलिए टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो पेस्ट का ऑप्शन आ गया है, सिंपली पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पिक्चर बहुत ही अच्छा बन गया है, तो आप लोगों को एक बार बिफोर वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बिफोर आने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो बिफोर वाला और एंड आफ्टर वाला भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो गया, तो जो भी फिक्स कर लेना, फिक्स करना है यहाँ पर तो फिक्स कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फेस थोड़ा बहुत ही रेड दिख रहा है, मतलब ऑरेंज कलर आ रहा है, तो मैं फेस को थोड़ा सा यहाँ पर
फिक्स कर लूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिक्स कर लूँगा गाइस। तो कर लिया हूँ और उसके बाद कर देता हूँ डन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पिक्चर बन गया है, ठीक है। तो इस पिक्चर में अब कर लेता हूँ मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप लोगों को सिर्फ एक PNG यहाँ पर ऐड करना है। तो वो PNG आप लोगों को कहाँ ऐड करना है मैं दिखा देता हूँ, ये पिक्चर सेव हो जाने दो। तो मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिखा होगा इंडिपेंडेंस डे PNG डाउनलोड, ठीक है। तो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे जो PNG है तो वो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो लाल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना रेड, तो यहाँ पर आप लोगों को लगा देना है। तो मैं पिक्सट में जाकर ऐड करना होगा, तो फिर से जाना होगा, तो इसलिए बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं फिर से नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सिंपली ऐड कर देना, मतलब PNG को वहाँ पर बैठा देना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का एक PNG दूंगा, टेक्स्ट PNG, ठीक है। तो उसको सिंपली ऐड कर देना वहाँ पर। तो ये वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके बताना गाइस, आप लोगों का कमेंट बहुत ही कम आ रहा है एंड लाइक भी बहुत ही कम आ रहा है, तो ठीक है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ, कितना रखूँगा, अभी तो 37K सब्सक्राइब पूरा कर दिया है आप लोगों ने, बहुत ही सपोर्ट किया हो, लेकिन लाइक कम आ रहा है। तो 300 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो आप लोग पूरा कर दो यार, आप लोगों का एक लाइक से ही मेरा 300 लाइक बनेगा। तो आप लोग सोचो मत, लाइक करो यार वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।